आज से करीब 15 दिन पहले बछवाड़ा थाना अंतर्गत एक गैस पाइपलाइन के पास एक शिवम कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उसको शाम के समय गोली मार दी थी कुछ लोगों ने और उसकी मोटरसाइकिल को भी वहां से लेके चले गए थे। प्रथम दृष्टया ये मामला हम लोग को लूट का प्रतीत हुआ। इसमें तुरंत एसडीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और आज 15 दिनों के बाद इस मामले का संपूर्ण खुलासा पुलिस ने कर लिया है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो पिस्टल प्रयोग की गई थी गोली मारने में शिवम को, उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक जिंदा कारतूस मिला है। शिवम की जिसको गोली मारी गई थी उसकी मोटरसाइकिल को भी अपराधी लेके चले गए थे। उसको भी खेत के पास छुपा के रखा हुआ था, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना का षड्यंत्र रचने में 4 मोबाइल फ़ोन थे वो भी मिल गए हैं। देखिए इसमें जो गिरफ्तारी हुई है, मृतक शिवम के छोटे भाई की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम शुभम है, बछवाड़ा का रहने वाला है। शुभम का एक दोस्त है राजकिशोर कुमार, इसकी गिरफ्तारी हुई है, यह भी बछवाड़ा का है। और जो मृतक है शिवम, उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम चांदनी कुमारी है। देखिए पूछताछ में ये पता चला है कि जो मृतक का सगा छोटा भाई था वो मृतक की पत्नी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई थी कि यदि मैं बड़े भाई को मार दूंगा तो घर के लोग मिलके और सारे लोग मिलके इसकी शादी हमसे ही करा देंगे। और पत्नी ने भी इस चीज़ इसको कन्फेशन में बताया है। ये जो व्यक्ति है छोटा भाई, इसका नाम शुभम है, जब इससे हम लोग ने पूछताछ की तो ये उस घर की उस महिला से प्रेम में इतना ज़्यादा वो था कि इसने तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। फिर हम लोग ने मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की कड़ाई से, तो उसने भी सभी लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। चूँकि ये घटना शुभम को करनी थी तो उसका एक खास दोस्त था राजकिशोर, इसने उससे संपर्क किया और राजकिशोर ने भी यही कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो कुल मिला के छोटे भाई ने ही मृतक की पत्नी को पाने के लिए और अपने प्रेम प्रसंग को ये सब करने के लिए, आप देख सकते हैं इसको लेकर के घर के अंदर इतनी गंभीर घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। तो बहुत ही गंभीर घटना थी, इसको हम लोग ने बहुत सीरियसली लिया। अब 15 दिन एसडीपीओ टेंगड़ा, एसएचओ बछवाड़ा, इन सभी लोगों की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी विभिन्न जगहों पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने ये पूरी जो चीज़ है इसको पता लगाई है। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं अपनी तरफ से सभी को पुरस्कृत करूंगा। मृतक की पत्नी को जेल भेजा जा रहा है, मृतक के छोटे भाई को जेल भेजा जा रहा है और उसके एक दोस्त को भी जेल भेजा जा रहा है। इसमें पैसों की बात नहीं थी, मैंने बताया कि मृतक की जो पत्नी है उससे मृतक के छोटे भाई का अवैध संबंध था, प्रेम प्रसंग घर के अंदर ही चल रहा था। इसको बस ये था कि यदि मैं इसको मार दूंगा बड़े भाई को तो शादी मेरे से ही हो जाएगी और मैं कमाने खाने के लिए यदि गुजरात जाना चाहूँगा तो ये वहाँ भी उसके साथ चली जाएगी। लेकिन चूँकि मृतक जब तक जीवित था तो उसके चलते ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। मृतक क्या कर रहा था? मृतक भी यहाँ पे मृतक गुजरात में काम करता था और वहीं से ही आया था। 1-9 महीने का बच्चा है ऐसा पता चला।